नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारतीय सेना ने 3 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 3 किलोमीटर अंदर जाकर 5 से 7 ठिकानों पर 4 घंटे की सीमित सैन्य कार्यवाही करके कम से कम 30 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के सूत्रों ने बुधवार रात हुई सैन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी दी कि इस कार्रवाई को रात 12:30 बजे से लेकर गुरुवार तड़के 4:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया। इस हमले में आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग भी मारे गए। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में सीमित कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें बुधवार को बहुत पुख्ता एवं विशिष्ट सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी दल नियंत्रण रेखा के पास लॉन्च पैड पर भारत में घुसपैठ और जम्मू कश्मीर एवं देश के विभिन्न शहरों में आतंकवादी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। भारतीय सेना ने बुधवार रात इन लॉन्चिंग पैड पर सीमित सैन्य कार्रवाई की है। सैन्य संचालन महानिदेशक ने बताया कि इस साल अब तक घुसपैठ की 20 बड़ी कोशिशें हुई हैं। इस दौरान ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और पाकिस्तानी मार्का वाली सामग्रियां मिली हैं। सैन्य कार्रवाई का बलूच नेताओं ने किया समर्थन। भारत में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना की सीमित सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हुए गुरुवार को पाकिस्तानी उच्चायुक्त के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए ऑल इंडिया बलूच यूनिटी फोरम के नेता मजदक दिलसाद बलूच ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत की ओर से उठाया गया कोई भी कदम सही है। रक्षा मंत्री ने सफल कार्रवाई के लिए सेना को दी बधाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सफल सीमित सैन्य कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को बधाई दी है। पर्रिकर ने ट्वीट कर कहा कि सफल ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को बधाई। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कार्रवाई का स्वागत किया है। रूस ने अमेरिका के वक्तव्य पर नाराजगी जताई। रूस ने अमेरिका के सीरिया संबंधी धमकी भरे वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति की है और इसे आतंकवाद का समर्थन करने वाला करार दिया है। रूस के विदेश उपमंत्री सर्जेई रिया ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जान किर्बी के इस वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति की कि सीरिया में हिंसा नहीं रोकने के पीछे रूस का अपना उद्देश्य है, क्योंकि खाली रहने पर आतंकवादी रूस के हितों विशेषकर उसके शहरों पर हमला कर सकते हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।